दोस्तों चलिए हम लोग बात कर लेते हैं वेदांता लिमिटेड में हम लोग कहाँ पे खरीदारी का प्लान करके चल सकते हैं। तो सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के स्टॉक को अगर आप देखेंगे तो स्टॉक का भाव चल रहा है 270-72 रुपए के आसपास। दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझेंगे यहाँ पे प्राइस बिहेवियर को, क्योंकि प्राइस बिहेवियर समझना काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी स्टॉक के नेचर को आप नहीं समझ पाए, आप उसके प्राइस को नहीं समझ पाए, तो फिर आप शायद ही उस स्टॉक से पैसा निकाल पाओगे। तो सबसे पहले इंट्राडे के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे ग्राफ को देखने से ये पता चल रहा है कि इस स्टॉक के अंदर हैवी एक वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिल रही है। यानी कि लास्ट 5 डेज में अगर हम देखेंगे तो दोस्तों यहाँ भी वही सीनारियो देखने के लिए मिल रहा है जैसा कि इंट्राडे में पूरी की पूरी पिक्चर हमको देखने के लिए मिल रही थी। यहाँ भी ओवरऑल हाई वॉलेटिलिटी इस स्टॉक में देखने के लिए मिल रही है, लेकिन अब हम लोग और बड़े डेटा को देखेंगे ताकि हम लोगों को पिक्चर काफी क्लियर कट समझ में आ जाए। लास्ट 1 मंथ में देखेंगे दोस्तों तो यहां पे डेटा काफी ज्यादा फ्लैट ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। और एक अच्छी चीज है दोस्तों, इस स्टॉक को खरीदने का बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि यहाँ पे जो डिविडेंड यील्ड मिल रहा है करीब करीब 23% के आसपास मिल रहा है। आप सोचो कि आपका जो बैंक एफडी का रिटर्न देती है वो 5-6% के आसपास लमसम होता है, लेकिन इस स्टॉक में आप देखोगे तो करीब करीब आपको 23% के आसपास का सिर्फ डिविडेंड ही मिल रहा है। यानी स्टॉक का प्राइस जो मूव करेगा उसका तो बेनिफिट आपको डायरेक्ट मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इस स्टॉक को हम लोग कहाँ पे खरीद सकते हैं, स्टॉप लॉस कहाँ बनना चाहिए और क्या टोटल सीनारियो बना हुआ। सबसे पहले इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रेंड लाइन डाल देंगे। दोस्तों ये ट्रेंड लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे आप देखोगे 200 EMA का, यहाँ पे देखो 200 EMA का कहीं कहीं ये स्टॉक अब सपोर्ट भी ले चुका है। कहने का मतलब ये है यहाँ पे 200 EMA के ऊपर कैंडल ने क्या क्लोजिंग दे दिया है, ठीक है। हम लोगों का स्टॉप लॉस कहाँ बनता है, सबसे पहले स्टॉप लॉस देखेंगे, टारगेट तो हम लोग लास्ट में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 250 रुपए का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट अभी फिलहाल वेदांता लिमिटेड के लिए बना हुआ है, ठीक है, 250 रुपए का। आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना। और हमारा पहला टारगेट होगा दोस्तों, जो हम पहला टारगेट रखने वाले हैं, पहला टारगेट हमारा होने वाला है करीब करीब 340 रुपए के आसपास, ठीक है। 340 रुपए के आसपास पहला हमारा टारगेट होना चाहिए, हालांकि ये 350 के आसपास आ रहा है, लेकिन मैं दोस्तों इसको इसलिए बोल रहा हूँ 340 रुपए, चूंकि जब भी टारगेट प्राइस के पास पहुँचता है हमारा कैंडल तो सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं, कहीं कहीं सेलर्स में स्पाइक्स देखने के लिए मिलने लगता है। इसलिए आप थोड़ा सा कुछ परसेंट कम लेकर बुक करो, लेकिन आप सेफ निकल जाओ, मेरा कहना हमेशा ये रहता है। पहला टारगेट दोस्तों इस लेवल से निकलते ही करीब करीब 270 रुपए के ऊपर निकलते ही 340 रुपए के इमीडिएट टारगेट वेदांता लिमिटेड में आपको देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे टारगेट के लिए। दोस्तों दूसरा टारगेट यहां पे हमको मिलेगा 440 रुपए के आसपास। देखो इसमें काफ़ी अच्छा अपसाइड के अभी टारगेट ओपन है, क्योंकि बार बार मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे वेदांता में जिस हिसाब से एक ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट के बाद ये वीकली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में गया, ठीक है। यहाँ पे देखोगे काफ़ी ज़्यादा ये ब्रेकआउट के बाद टाइम स्पेंड किया और फाइनली यहाँ पे आपको चार्ट में देखने के लिए मिल रहा होगा, अब ये चार्ट फ्लैट हो चुका है, ठीक है। अब इस चार्ट में और ज़्यादा गिरावट मुझे दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं इस स्टॉक में अब बाइंग की अपॉर्चुनिटी को देखा जा सकता है। देखो अच्छी चीज़ यह है दोस्तों, जब हम बड़े वाले टाइम फ्रेम पे किसी स्टॉक को एनालिसिस करते हैं या वो स्टॉक के एनालिसिस को करके हम अपने लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी देखते हैं, तो हमको पूरे चार्ट के नेचर को समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, तभी हम लोग उसमें बाय और सेल का डिसीजन ले पाएंगे। तो यहाँ पे क्लियर कट समझ में आ रहा है कि यहाँ पे वीकली वाले टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अब ये चार्ट कहीं कहीं अपसाइड का मोमेंटम देने के लिए रेडी है। तो टारगेट ऑलरेडी बता दिया है 340 रुपए और 440 रुपए, ये दो इमीडिएट टारगेट मेरे ओपन हैं, ऑलरेडी इसमें मेरी पोजीशन बनेगी जैसे ही नेक्स्ट ट्रेडिंग आवर्स में ट्रेडिंग डेज में मार्केट ओपन होगा, ऑलरेडी वेदांता लिमिटेड में मेरी पोजीशन स्विंग ट्रेड की बनने वाली है, ठीक है। 250 रुपए के स्टॉप लॉस होना चाहिए। करेंट में हम देखेंगे डेली वाले टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी तो यहाँ पे 200 EMA के ऊपर कहीं कहीं कैंडल मुझे सस्टेन होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक कैंडल नहीं, 1, 2, 3, 4, करीब 4 से 5, 6 कैंडल यहाँ पे सस्टेन कर चुकी हैं।
अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन देना होता तो इजली फिर ये स्टॉक कहीं कहीं एक कैंडल ग्रीन देता लेकिन दूसरी कैंडल में ब्रेकडाउन दे देता। हालांकि नीचे ठीक ठाक सपोर्ट है, अभी मैं यहाँ पे करीब करीब 20 रुपए के स्टॉप लॉस डाल के और करीब करीब 440 के टारगेट के लिए वेदांता लिमिटेड में मैं एक बार खरीदारी का प्लान जरूर करूंगा। तो दोस्तों ये हुआ कंप्लीट वेदांता का एनालिसिस, और अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके से स्टॉक का एनालिसिस वीडियोज आपको मिलता रहे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए हम मिलते हैं एक और स्टॉक एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। और वेदांता लिमिटेड का आप स्टॉक का ये जो एनालिसिस मैंने बताया इसको चेकआउट आप जरूर कर लेना। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।